किष्किंधा नगरी, क्योंकि किष्किंधा नगरी मतलब तो रावण सीता देवी का पंचवटी में अपहरण करने के बाद में राम और लक्ष्मण सीता देवी का अन्वेषण में किष्किंधा को आता है सर। तो किष्किंधा मतलब जो प्लेस का पूरा हनुमान का जन्म स्थल हुआ है, पंपा सरोवर है, शबरी आश्रम है, वाली सुग्रीव का गुफा है, तो इसलिए जो प्लेस का रामायण में किष्किंधा नगरी नाम से बुलाता था। तो बाद में जो प्लेस का नाम है सत्ययुगा में पंपापुरा, तो एक क्षेत्र का नाम है पंपा क्षेत्र। तो बाद में लोग बुला के जो प्लेस का नाम आता है पंपा तीर्थ सर। तो देखिए पहले पंपा क्षेत्र, तो बाद में पंपा तीर्थ, तो बाद में पंपापुरा, तो बोल के अभी हम्पी है सर जो प्लेस का नाम है। तो ऐसे ये प्लेस को नाम आने के लिए तो इतिहास में पंपा क्षेत्र, पंपा तीर्थ, पंपापुरा, पंपे बोल के अभी हम्पी है। तो जो पूरा रामायण में और स्थल पुराण में तो ये पूरा जानकारी आता है, लेकिन इतिहास में तो जो साम्राज्य का नाम है विजयनगरा साम्राज्य है। तो जो विजयनगरा साम्राज्य तो मिडिवल इंडियन हिस्ट्री में स्थापन हुआ है, मध्यकालीन भारत इतिहास में। तो देखिए जो साम्राज्य 1336 में, क्रिस्त शका 1336 में विजयनगर साम्राज्य स्थापन होकर कम से कम 240 ईयर तक रूल किया है सर। तो जो साम्राज्य में फेमस राजा है कृष्णदेवराय, तो ये विजयनगर साम्राज्य का एक फेमस राजा है। तो देखिए जो कृष्णदेवराय एक भगवान विष्णु का भक्त है, तो ये कृष्णदेवराय का समय में विजयनगर साम्राज्य तो पहले एक छोटा डायनेस्टी जन के बन के, तो बाद में कृष्णदेवराय का समय में ये बड़ा साम्राज्य होके परिवर्तन होता है। आपको तो जो है विजयनगर साम्राज्य 1506 में तो निर्माण हुआ है। तो इधर जो मंदिर तो राजा से निर्माण नहीं हुआ है, एक व्यापारी से निर्माण हुआ है। तो जो मूर्ति इधर है ना, तो ये मोनोलिथिक स्टैचू है सर। तो ये 12 फीट हाइट है, तो आप नीचे पीठ अलग है इसका, ऊपर मूर्ति अलग रहता है। लेकिन जो मूर्ति आप दिख रहे ना, इसका नाम है सरसू गणपति। तो सरसू गणपति नाम आने के लिए एक महत्वपूर्ण कहानी है। तो देखिए विजयनगर साम्राज्य में 16th सेंचुरी में इधर हर मंदिर को आगे साइड में एक एक मार्केट रहता है। तो वो संदर्भ में तो आंध्र प्रदेश से एक व्यापारी आता है। वो व्यापारी आके पहले राजा को पूछता है, मैं इधर मेरा पास सरसू ज़्यादा है, लेकिन इस तरफ व्यापार करने के लिए मैं आने वाला हूँ, आप हमको परमिशन दे वो बोल के। तो उस समय में राजा बोलता है ठीक है, आपको 2 साल तक तो इधर परमिशन देता हूँ मैं व्यापार करने के लिए, आप व्यापार कर सकता है बोल के। लेकिन व्यापारी इधर 2 साल तक व्यापार करने के बाद में उसको ज़्यादा इनकम आ जाता है सर। वो इनकम से साम्राज्य को कुछ ना कुछ देना चाहिए बोल के तो जो मंदिर निर्माण करता है। उसलिए इतिहास में तो सब लोग बोलता रहता है ये सरसू व्यापार करके मंदिर निर्माण किया है। वो एक आदमी ऐसे जाके तो इतिहास में इसका सरसू गणपति नाम है। कन्नड़ में इसका नाम है सासुए काड़ू गणपति, लेकिन हिंदी में सरसू गणपति नाम है। लेकिन आपको जो मंदिर देखिए सर, तो कंप्लीट जो मंदिर सिंपल आर्किटेक्चर है। तो जो मंदिर में कौन सा गर्भगुड़ी, रंग मंडप, महामंडप नहीं है, ओपन मंडप में तो मूर्ति खड़ा करके मंदिर निर्माण किया है। तो जो मंदिर में ओनली सिंपल आर्किटेक्चर है, पिलर्स है, लेकिन वो पिलर में कौन सा भी मूर्ति आपको नहीं दिख रहा है इस तरफ, सिंपल कार्विंग्स। क्योंकि जो मंदिर पूरा कंप्लीट राजा का समय में निर्माण नहीं हुआ है सर, एक व्यापारी से निर्माण हुआ है। तो देखिए साम्राज्य इतना बड़ा होने के लिए महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि सब मंदिर राजा लोग का समय में निर्माण नहीं हुआ है, भक्त लोग आदमी व्यापारी से तो मंदिर निर्माण करके इतना बड़ा साम्राज्य निर्माण होता है। तो देखिए जो मंदिर को आगे साइड में तो जो गणपति का तो सूम है ना, सूम पूरा कंप्लीट कट हुआ है। तो आप देख सकता है इधर 1565 में एक वार चलता है। तो वार में तो इधर बहुमनी सुल्तान, तो बहुमनी सुल्तान अटैक करने के समय में तो जो मूर्ति का तोड़ने के लिए कोशिश किया है, तो तब समय में जो मूर्ति का सूम कट होता है। तो देखिए हमारा हिंदू धर्म में एक मूर्ति खंडित होने के बाद में तो जो मूर्ति का पूजा नहीं चलता है, इसलिए ये मूर्ति का सूम कट होने के बाद में जो मूर्ति का पूजा नहीं, ओनली स्मारक है। लेकिन जो मूर्ति का आगे साइड से देखिए आपको खुद गणेश जैसे दिख रहा है, लेकिन बिहाइंड तो जो मूर्ति का पीछे साइड में गणपति का माँ पार्वती का स्टैचू है। क्योंकि इंग्लिश में एक कोटेशन है,
बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देर इज वुमेन। तो इसलिए इस तरफ भी एक व्यापारी पीछे साइड में तो गणपति का माँ पार्वती का स्टैचू कार्विंग्स किया है। तो देखिए जो मंदिर इधर ही निर्माण करने के लिए मूल कारण, क्योंकि वो मस्टर्ड बेचने के लिए आता ना व्यापारी सरसों बेचने के लिए, तो वो सरसों इधर संग्रह करने के लिए जगह साइड में है, तो पहले उधर ही संग्रह करता था, तो उसलिए इधर साइड जगह बना के तो जो मंदिर इस तरफ निर्माण किया है 1506 में। तो जो मंदिर कंप्लीट द्राविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में रहता है, तो इसका कौन सा गर्भगुड़ी महामंडप नहीं, ओनली ओपन मंडप में मूर्ति खड़े करके तो मंदिर पूजा करने के लिए अलाउड किया है। तो जो मंदिर में अभी पूजा अगर कुछ नहीं सर, ओनली स्मारक तो देख सकता है। फिर ऊपर पूरा लाइम स्टोन है, ब्रिक्स से निर्माण किया है, नीचे पूरा पत्थर है, उसका ऊपर लाइम स्टोन है, गारा और चूना से ईटी से निर्माण किया है, ऊपर पूरा लाइम स्टोन, नीचे पूरा पत्थर से मंदिर निर्माण किया है। तो देख सकता है जो है हम्पी में एक फेमस टेम्पल है। तो इसमें अभी अभी रिसेंट में सास्वे काल गणपति, आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट लोग जो मंदिर का सास्वे काल गणपति से नाम से बुलाता है, लेकिन ओरिजिनली जो मंदिर का नाम है सास्वे काल गणपति इतिहास से पता चलता है। नमस्ते। भगवान शंकर का मंदिर है, तो आपको इस तरफ दिख रहे ना ये पूरा छोटे छोटे मंडप, ये पूरा ग्रुप ऑफ हेमकूटा टेम्पल्स। तो इसमें रहने वाले मूर्ति है भगवान शिवलिंग रहता है, तो भगवान शिवा का लिंग रहता है सर इसका अंदर। तो कभी तालीकोटे युद्ध का बाद में जो अंदर रहने वाले मूर्ति को पूरा कंप्लीट तोड़ दिया है, उसलिए जो मंदिर कौन सा में भी इधर मूर्ति नहीं, लेकिन उस तरफ एक शिव मंडपा में शिवलिंग का मूर्ति अभी भी आप देख सकता है। तो जो प्लेस कंप्लीट हम्पी में एक सनसेट पॉइंट जैसे यूज होता है, शाम लोग सनसेट देखने के लिए भी इस तरफ आता है। तो इसका पीछे साइड में भगवान शंकर का मंदिर है, तो ये पूरा हेमकूटा हिल्स है। तो फिर आपको इस तरफ दिख रहे ना जो पूरा वॉच टावर्स है, तो विजयनगर साम्राज्य में सोल्जर्स इसका ऊपर खड़े रह के वॉच करने के लिए भी यूज रहता है, ये पूरा काउलू गोपुरा एंड वॉच टावर्स। तो देखिए तो जो पूरा डबल लेयर रहता है नीचे फिर ऊपर डबल स्टेप में बिल्डिंग रहता है, ये पूरा वॉच टावर जैसे यूज होता है। फिर आपको इस तरफ मंडप दिख रहा है सर, इसमें गर्भगृह एंड महामंडप। तो देखिए बाहर रहने वाले पूरा कंप्लीट महामंडप है, इसका अंदर रहने वाले गर्भगृह है। तो गर्भगृह में भगवान शंकर का गर्भगृह रहता है, तो बाहर पूरा लोग आदमी खड़े रह के उसका पूजा चलने के समय में तो पूजा का दर्शन लेने के लिए भी इस तरफ यूज होता है। तो ये पूरा विजयनगर साम्राज्य में निर्माण नहीं हुआ है, तो 8th and 9th century में कर्नाटका में एक डायनेस्टी था, उसका नाम चालुक्यास ऑफ बदामी। तो बादामी चालुक्यास का राजा लोग क्या करता है, इस तरफ मंदिर निर्माण करके चला जाता है। तो बाद में ये जो पूरा कंप्लीट तालीकोटे युद्ध में पतन होता है सर, तो तालीकोटे युद्ध में पतन होने के बाद में तो तभी से अभी तक जो मंदिर में मूर्ति अगर कुछ नहीं, ये पूरा कंप्लीट वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो हमारा देश में 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, तो उसमें भी हम्पी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो ये सबसे लार्जेस्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो ये विजयनगर साम्राज्य का विस्तार है, 59 किलोमीटर विस्तार है सर। तो ये विजयनगर साम्राज्य का राजधानी हम्पी, तो हम्पी कैपिटल सिटी बना के तो इस तरफ रूल करने के लिए स्टार्ट करता है। अभी आपको 25 अराउंड किलोमीटर एरिया में आपको अलग अलग मंदिर मोनूमेंट तो फोर्ट पूरा मिलने के लिए स्टार्ट करता है। ये पूरा विजयनगर साम्राज्य में एक बहुत सुंदर प्लेस है, तो इसका बोलता है हेमकूटा हिल। तो ये पूरा शाम आपको सनसेट देखने के लिए भी इस तरफ लोग आता है। तो हम्पी में तो 3 सनसेट पॉइंट है, तो एक हेमकूटा, एक मतुंगा, फिर एक माल्यवंता रघुनाथा हिल है। तो उसमें हेमकूटा हिल तो ज़्यादा सीढ़ी नहीं रहता है, आराम से चढ़ के आके इस तरफ बैठ के अब शाम तो इधर बहुत व्यू पॉइंट देखने के लिए भी एक सुंदर जगह है। आप इधर से देखने के समय में आपको राइट साइड में तुंगाभद्र रिवर भी दिखता है। ये तुंगाभद्रा रिवर अलग अलग रहता है सर, ये पूरा वेस्टर्न घाट सेक्शन में उगम होके तुंगा एंड भद्रा दो ही संगम होके तुंगाभद्रा होता है।
तो जो तुंगाभद्रा रिवर कृष्णा रिवर का ऊपर रिवर है, तो ये आंध्र प्रदेश में जाके तुंगाभद्रा कृष्णा रिवर का संगम होता है सर। तो देखिए आपको इधर से राइट साइड में देखिए आपको तुंगाभद्रा रिवर दिख रहा है, तो जो पूरा तुंगाभद्रा रिवर तुंगा एंड भद्रा, ये 12 महीना भी इसमें पानी रहता है, लेकिन अभी अगस्त महीना में इसमें ज़्यादा पानी छोड़ता है, वो टाइम में थोड़ा फ्लड जैसे ज़्यादा पानी आ जाता है सर। ये है तुंगाभद्रा रिवर है। तो तुंगाभद्रा रिवर का उस तरफ रहने वाले पॉइंट्स पूरा किष्किंधा प्लेस है, उस तरफ आप हनुमान का जन्मस्थल, वादी सुग्रीव का गुफा, फिर पंपा सरोवर पूरा उस तरफ देख सकता है, वो पूरा रिलीजियस साइट है, ये पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। सर जो है सनसेट पॉइंट, आपको पिलर दिख रहे हैं ना, दीप स्तंभ है तो वो है, तो आपको इधर से सनसेट देखने के लिए पॉइंट है। तो उसका बाद में दिख रहा है बियर सेंचुरी, तो इधर से 16 किलोमीटर दूर में बियर सेंचुरी है, लेकिन वो एक सफारी जैसे रहता है, तो वही भी बियर सेंचुरी है हम्पी में देखने के लिए एक प्रेक्षणीय स्थल है। तो उसका बाद में देख सकता है ट्रिपल शेर टेम्पल, लेकिन हम्पी में है ये बहुत विशेष टेम्पल है। आप कौन सा तो हिंदू मंदिर में जाइए, उधर एक शंकर रहता है लेकिन विष्णु रहता है, लेकिन इस तरफ तीन मूर्ति रहता है, शिवा पार्वती गणपति। तो देखिए इस तरफ ट्रिपल शेर टेम्पल है। उसका बाद में हेमकूटा ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, आप इस तरफ देख रहे हैं ये पूरा होम हेमकूटा ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है। उसका बाद में विरूपाक्ष टेम्पल, तो हम्पी में एक लाइव टेम्पल है भगवान शिवा का। तो उसका बाद में ऋषिमुखा हिल, तो ये आंजना किष्किंधा में आता है। तो उसके बाद में आंजनाद्री हिल, ये हनुमान का जन्मस्थल, ये पूरा आपको इधर से देखने के लिए चीज़ दिखता है।